आज अपन चैप्टर नंबर 2 मैथ्स का कैरियर करने जा रहे हैं। अपन ने ऑलरेडी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली थी। एक्सरसाइज 2.1 बहुत सिंपल थी, उसमें आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट्स निकालना थे, ए क्रॉस बी निकालना था। तो कुछ एक टर्म थी वो टर्म ले लीजिए, पर मान लीजिए ए सेट है, बी सेट है, ए क्रॉस बी निकालने के बाद थोड़ा सा ए से बी का, ए से ई का, ए बनाया, बी से डी का, बी से ई का, बी से डी का, बी से ई का, सी से डी का, सी से डी का, सी से डी का, सी से ई का, ए बनाया। और हर एक पेयर को मैं कहूंगा, हर एक पेयर में कहूंगा दिस इज ऑर्डर्ड पेयर, दिस इज ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोला मैंने, ऑर्डर में है, ऑर्डर में हम कैसे पहले ए, पहले ए वाला बाद में बी वाला, पहले ए वाला बाद में बी वाला, और इस ए क्रॉस बी को क्या होगा, दिस इज ऑर्डर्ड सेट, दिस इज ऑर्डर्ड सेट। ऑर्डर्ड सेट क्यों, क्योंकि पहले ए आएगा बाद में बी आएगा। ऑर्डर्ड पेयर टर्म्स है ऑर्डर सेट ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ये ऑर्डर पेयर ऑर्डर सेट की बात होगी। अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात पर चलते हैं, रेंज डोमेन एंड को डोमेन की बात होने वाली है। थोड़ा सा मामला थोड़ा है, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग होने वाला है। कैसे बात करेंगे, रेंज डोमेन को डोमेन। अब पहले बात बता दू कि रेंज is a subset of codomain, range is a subset of codomain। अब ये बात कैसे हुई इसके बारे में मुझे जानकारी बताओ, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन कैसे होगा, कैसे कहना रहेगा, इसके बाद आप समझ जाओगे कैसे होगा। अभी अपन बात करते हैं डोमेन की, एक साइड मान लेते हैं ए, एक साइड मान लेते हैं बी, सेट ए का रिलेशन आर है बी के साथ में, ठीक है। तो इसमें जो सेट ए, जो सेट ए है, दिस इज डोमेन, दिस इज डोमेन, और जो सेट बी है, जो सेट बी है, दिस इज कोडोमेन, दिस इज कोडोमेन। अब जो डोमेन है, अब जो क्या है डोमेन है, अब जो डोमेन है, जो डोमेन है, अगर डोमेन में जो रिलेशन आर है, या फिर डोमेन ए जो होता है, जो डोमेन होता है उसका हर एलिमेंट, जो डोमेन होता है उसका हर एलिमेंट, हर एलिमेंट बी से कनेक्टेड होना चाहिए। जो डोमेन होता है, जो डोमेन होता है उसका हर एलिमेंट बी के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है बी का हर एलिमेंट कभी कनेक्टेड हो ए के साथ में। क्या कंडीशन, अभी जो ए का जो डोमेन ए है, जो डोमेन है वो हमेशा कनेक्टेड हो बी से, ए जो है वो हमेशा उसके हर एलिमेंट, उसका हर एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए बी से, ठीक है। तो दिस इज डोमेन, दिस इज कोड हो गया। अब जो ए से बी जुड़े हुए हैं, ए से जब रिलेशन बी का निकालते हैं, ए रिलेशन बी निकालते हैं, जब ए का रिलेशन बी के साथ निकालते हैं, तो इसमें जो जो ए से जो बी कनेक्टेड होते हैं, इस रिलेशन के अंदर जितने कनेक्टेड होते हैं, जितने कनेक्टेड होते हैं, अभी क्या है एफ कनेक्टेड है बी में, जो बी में जो एफ है वो रिलेशन ए से कनेक्टेड है, नहीं है वो नहीं है। तो मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ए रिलेशन बी, मतलब सब उस रिलेशन से कनेक्टेड है, ए बी डी से कनेक्टेड है, सी ई से कनेक्टेड है, मतलब जो ओनली कनेक्टेड है बी में, ओनली कनेक्टेड, ओनली कनेक्टेड और से हैविंग रिलेशन is called। तो रेंज में कौन सा आएंगे, रेंज में आएंगे ओनली बी कॉमा बी,
रेंज जो है बी एंड ई, तो इससे समझ आता है कि रेंज जो है वो छोटा इज इन रेंज। इससे समझ आता है कि रेंज जो है वो एक सबसेट है कोडोमेन का, रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, तो डोमेन क्या है, पूरा केस है डोमेन होता है, पूरा सेट भी डोमेन का कोडोमेन होता है, और जो कनेक्टेड है ए से वो सिर्फ रेंज कहलाता है। मतलब जो रिलेशन आर से जो बनते हुए हैं, जो रिलेशन आर से जो बनते हुए हैं, ए रिलेशन बी, बी रिलेशन डी, सी रिलेशन ई, जो बनते हुए हैं, सिर्फ जो बनते हुए हैं सेट ए से, सेट बी का कनेक्शन है, जिन्हें एलिमेंट सेट बी से जिस एलिमेंट का कनेक्शन है सेट ए से, बस वही होते हैं रेंज। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोड। तो ये जब हमने बात करी, इससे ही अपना एक्सरसाइज 2.2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट हो जाएगी। इसका मैंने क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपको थोड़ा समझ आ जाए। तो इसमें एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 6 है, वो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 एक बार देख लेते हैं। उन्होंने बोला है डोमेन रेंज फाइंड करना है रिलेशन आर का, जो कि गिवन है कुछ इस तरह से, एक्स कॉमा एक्स प्लस वाई, दिस इज ऑर्डर पेयर, दिस इज ऑर्डर पेयर, ए सब कॉमन लिख देना है, रिलेशन एक्स का रिलेशन इसके साथ एक्स प्लस वाई है, मतलब यहां पर ये वाई है तो वाई इज प्लस टू एक्स प्लस फाइव क्या बनाना है। ठीक है, और आगे से कंप्लीट किया, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म, तो एक्स एक्स बिलोंग्स टू 0, 1, 2, 3, 4, 5। उन्होंने एक्स की वैल्यू दे दी है, इसका मतलब डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। इसका मतलब क्या फाइंड करना है, डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। तो अब हम कह सकते हैं डोमेन क्या होगा, जो स्तर वाली वैल्यू होती है, स्तर वाली वैल्यू होती है वो सेट ए होता है, अपन बात करते हैं दिस इज सेट ए, एंड जो स्तर वाली वैल्यू होती है दिस इज सेट बी। तो अगर हमें डोमेन नहीं बनते, एक्स की वैल्यू काम में हमारे सकती है 0 से 1, 2, 3, 4, 5 तक, पहली बात क्या है एक्स की है, तो इसके अंदर सेट ए के अंदर 1 आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। तो दिस इज सेट ए इज डोमेन। अपन ने डोमेन को आसानी से निकाल दिया। अब सेट बी की बात करते हैं, सेट बी से निकालते हैं इसका इससे कनेक्शन, जब 0 को करा तो 0 यहां पर करा तो 0 प्लस 5 सेट बी निकाला, 5 जब 1 को करा 1 प्लस 5 6 7 8 9, 5 को करा 5 प्लस 5 10, पार्टी वैल्यू 10। सो सेट बी निकला 5 6 7 8 9 10, सो दिस इज रेंज। अब यही रेंज कोड होने की है, यही रेंज कोड होने की है इस फंक्शन की, क्योंकि अभी अपन ने निकाला रेंज निकाली और इससे बड़ा कोई सेट दिया हुआ नहीं है, रेंज से बड़ा कोई दिया हुआ नहीं है, तो ये कोड होने की एक बार भी हो जाए तो रेंज और कोड होने ऐसे निकल गई। अब इसको आपको सिर्फ सॉल्व करना है, ऐसे दिखाना नहीं है सेट बी ऐसा निकाला, सेट ऐसा निकाला, आपको सिर्फ बात करनी है कि जो फर्स्ट होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ये एक्स जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका वाला, ये डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, वेदर दिस इज वाई, दिस इज वाई पार्ट, वाई पार्ट रिप्रेजेंट रेंज, एक्स की वैल्यू जो दी गई है उस गिवन पॉइंट पर एक्स की वैल्यू यहां रखिए, यहां रखिए, जो निकाल जो निकलते जाए उसको पुट करते जाइए, एंड दिस बिकम्स रेंज। तो इस क्वेश्चन में सॉल्व करने पर रेंज और सेट, अपन ने रेंज निकाली और अपन ने रेंज भी निकाल ली और अपन ने डोमेन भी निकाला। तो एक्सरसाइज 2.2 या पूरी कर सकते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको करवा दिया है, क्वेश्चन नंबर 7
अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ये सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। डायग्राम दिया हुआ है आपको, तो सेट बिल्डर फॉर्म और सेट रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म आप लिखिएगा, सेट रोस्टर फॉर्म आप लिखिएगा, सेट बिल्डर फॉर्म आपको बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि सेट दिया हुआ है, इसकी वैल्यू है 5, 6 एंड 7, और सेट सेट ए, सेट बी दिया है 3, 4 एंड 5। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूंगा मैं? द रिलेशन आर इज डिनोटेड बाय, पहले बात इसकी है ए कॉमा एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, दिस इज ऑलराइट विद इंटरवेशन जब रिलेशन होगा वो एक्स कॉमा वाई होगा। तो एक्स कॉमा वाई है तो उसमें लिख सकता हूं मैं कि दिस इज एक्स, दिस इज वाई, तो द डिफरेंस
5, एक उसका सेट फंक्शन f से कनेक्टेड है, रिलेशन f से कनेक्टेड है, फंक्शन f से कनेक्टेड है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है y इज इक्वल टू x माइनस 2, ये x होगा और ये y होगा, तो मैं कह सकता हूं y इज इक्वल टू x माइनस 2 एंड दिस इज फंक्शन, दिस इज रिलेशन बिटवीन डोमेन एंड रेंज। सो डोमेन एंड रेंज कैसे कनेक्टेड है, y से कनेक्टेड है, फंक्शन f से कनेक्टेड है, तो फंक्शन f ऑफ x जो है वो है x माइनस 2, f ऑफ x जो है वो है x माइनस 2, मतलब इसकी वैल्यू f ऑफ x होगी, f ये होगा, f ऑफ x ये होगा एंड दिस इज x, डोमेन इज x, रेंज इज ठीक है, तो ये अपना हो चुका है। इससे आपको फंक्शन की रिलेशन कहने वाले हैं, आपको देखना ग्राफ का जो इम्पोर्टेंट है, ग्राफ पता होना चाहिए, ग्राफ पता होंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, तो ग्राफ की बात कर लेते हैं, ग्राफ एक इम्पोर्टेंट ग्राफ है, इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है अपन देख लेते हैं, एक तो अपना नॉर्मल ग्राफ, नॉर्मल ग्राफ कौन सा होता है, अपने ग्राफ रहने वाला है और हाँ इम्पोर्टेंट ग्राफ कंसीडर, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट ग्राफ से देखते हैं, सारे ग्राफ तो पढ़ते रहते हैं, इम्पोर्टेंट ग्राफ देख लेते हैं, दिस इज ग्राफ ऑफ एक्स, दिस इज ग्राफ ऑफ एक्स, जिसमें वाई इज इक्वल टू एक्स होता है, ये जीरो से जाएगा, वन पर वन मिल जाएगा, माइनस वन पर माइनस वन मिलता है, तो ऐसे वन पर वन मिलता है, माइनस वन पर माइनस वन मिल जाएगा, तो दिस इज ग्राफ ऑफ माइनस एक्स, दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन, जिसको आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन, वाई इक्वल्स टू एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन, जब आगे बढ़ते हैं और एक ग्राफ देखते हैं एक्स स्क्वायर वाला, दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर पॉइंट एक्स स्क्वायर का बराबर क्या होता है, जीरो पर जीरो मिलता है, जीरो पर जीरो मिलता है, ठीक है, एक कॉन्स्टेंट का होता है, कॉन्स्टेंट फंक्शन होता है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज कॉन्स्टेंट के, कॉन्स्टेंट है के, तो एफ ऑफ एक्स मतलब हर एक वैल्यू पर, हर एक हर एक्स की, हर एक हर एक्स की वैल्यू पर, तो वन पे भी के मिलेगा, टू पर भी के मिलेगा, थ्री पर भी के मिलेगा, माइनस वन पर भी के मिलेगा, हर जगह पर के ही मिलेगा, तो ये अपना एक कॉन्स्टेंट फंक्शन का ग्राफ हो गया। अब ऐसे ही इम्पॉर्टेंट है, वन बाय एक्स, वन बाय एक्स का ग्राफ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वन बाय एक्स का ग्राफ इसमें इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जीरो पर इंफिनिटी टच करता है, दिस ग्राफ इज ऑफ वन बाय एक्स, ठीक है, जो कि एक्स इक्वल्स टू वन पर मिलता है, बाकी फिर वो प्लस इंफिनिटी तक जान जाता है और यहां पर माइनस इंफिनिटी तक चल जाता है, दिस इज ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स 15 है। अब ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट एक और ग्राफ है, दिस इज मोड मोड मॉड्यूलस ग्राफ, ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस है, ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑफ मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस एक्स का ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूलस का मतलब ये होता है कि जो भी इसके अंदर वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव होने निकलेगी, अगर x की वैल्यू माइनस 3 होती है तो f ऑफ x मॉड्यूलस ऑफ माइनस 3 इज प्लस 3, मतलब ये माइनस का साइन चेंज होगा प्लस 3 में, वैसे ही x की वैल्यू अगर माइनस 8 होती है तो f ऑफ x की वैल्यू मॉड्यूलस ऑफ माइनस 8 इज इक्वल टू 8,
मतलब हर एक नेगेटिव वैल्यू का एक पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, तो मैं कह सकता हूं ये ग्राफ ऐसा होगा कि माइनस वन पर भी वन मिले और प्लस वन पर भी नहीं मिले, वहीं माइनस टू पर टू मिले तो प्लस टू पर भी टू मिले, ऐसा ही ग्राफ ऐसा बनता है। ये एंगल और ये एंगल बिल्कुल इक्वल होते हैं, थीटा वन थीटा टू, थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू होता है। तो ये हो गया अपना एक ग्राफ मॉड्यूलस का ग्राफ। अब आपके के दो ग्राफ बचते हैं, ये दो ग्राफ भी देख लीजिए और कंप्लीट करते हैं। जब इस चैप्टर को चैप्टर एकदम समाप्ति पर हम निकल रहे हैं तो मुझे आपके चैप्टर या फिर प्रश्न आ जाएगा। अब एक सिग्नम प्रश्न होगा, मतलब कि अगर एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो होती है तो यहां पर मान लीजिए माइनस भी आएगा, तो माइनस थ्री को प्लस के बनाने के लिए बाहर माइनस वाला था, बाहर एक माइनस वाला था, इसको हटा दो, हमें मॉडल डाल दो, प्लस के रहता हूं माइनस ऑफ एक्स बाय सॉल्व करा माइनस, जब ये देखिए हम लोग एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो, वहीं जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है तब सीधा जो वैल्यू आएगी मुझे सीधे का माइनस प्लस करना पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू है, माइनस का ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू ही आती है। तो मैं सकता हूं फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स लेस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सॉरी जीरो पर डिफाइन नहीं हो, ये फंक्शन जीरो पर डिफाइन नहीं है, जीरो इस तरफ और जीरो इस तरफ डिफाइन है, जीरो पर फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो इसको हम एक्स पर एक्स सॉल्व करो वन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन, एक्स ग्रेटर देन जीरो पर एफ ऑफ एक्स वैल्यू हमेशा वन रहने वाली है और एक्स लेस देन जीरो पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमेशा माइनस वन रहने वाली है। तो मैं इस ग्राफ को बनाऊंगा, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव वन एंड दिस इज माइनस वन, यहां पर ओपन और ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा, यहां पर ओपन ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा। एक्स की वैल्यू जीरो पर ग्राफ डिफाइन नहीं है, एक्स की वैल्यू जीरो से बनी हमेशा वन मिलेगा, एक्स की वैल्यू माइनस